एक साई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव जो है अब बड़ी ही तेजी से बढ़ता हुआ भी देखा जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड के शानदार एक्टर यानी कि सनी देओल, जिन्होंने बीजेपी से अपना नामांकन भरा, गुरदासपुर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि भाई बीजेपी की ही 2 नेताएं जो हैं काफी ज्यादा ही नाराज हो गई हैं कि उन्हें इस बारी बीजेपी से सीट नहीं मिली है, यानी कि गुरदासपुर सीट से जहां पर सनी देओल चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में इन 2 नेता को काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है। दरअसल ये कहावत आपने सुनी होगी कि इंसान मुकाबला तब हारता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं। गैरों से तो हर एक शख्स जो है बढ़िया तरीके से जंग लड़ता है। ऐसे में जहां पर बीजेपी में शामिल हुए सनी देओल और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये दोनों नेता सनी के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि गुरदासपुर सीट से उन्हें चुनाव लड़ना था मगर बीजेपी ने सनी देओल को मौका दे दिया और उन्हें मौका नहीं दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जेलेसी की भावना, वो ना जीत जाए ऐसी ईर्ष्या यहाँ पर पार्टी के अंदर साफ तौर पर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं पार्टी में तो ये गर्मा गर्मी चल ही रही है, वहीं अगर देओल फैमिली की बात की जाए तो देओल फैमिली में भी यही सेम गर्मा गर्मी देखी जा रही है, क्योंकि सनी और हेमा के बीच के बिगड़ते रिश्ते किसी से छुपे नहीं है। ऐसे में जहां पर मां ने अपने बेटे से मुंह फेर लिया तो वहीं पार्टी के नेता भी अब सनी के खिलाफ होते दिखे। क्या कुछ हुआ है देखिए अब हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हुए हैं बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल। जी हाँ, सनी देओल ने 29 अप्रैल यानी कि सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके लिए चुनाव मैदान पे उतरने से पहले ही गुरदासपुर के 2 स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया। कहते हैं ना कि अगर घर पर ही आपसे वैर करने वाले होंगे तो आप मैदान पर जीत कैसे हासिल करेंगे। जहां पर गुरदासपुर सीट से बीजेपी के लिए सनी देओल चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की ही पार्टी के नेता जो है वो सनी देओल से ईर्ष्या खाते हुए देखे जा रहे हैं और सनी के लिए चुनाव जीतने के लिए मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं सनी देओल के लिए गुरदासपुर सीट से मुश्किलों को बढ़ाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता की पत्नी कविता खन्ना और बीजेपी नेता सर्वन सलारिया गुरदासपुर से अभिनेता सनी देओल को टिकट दिए जाने से नाखुश हैं और नाराज भी। गुरदासपुर से 4 बार सांसद रहे विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना को टिकट नहीं दिए जाने से बीजेपी से वो नाराज हो गई। उन्होंने शनिवार को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया, जहां पर अपने अगले चुनावी राजनीति कदमों का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी को अलविदा वो कह सकती हैं और अपने पति के पूर्व लोकसभा सीट गुरदासपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें कि विनोद खन्ना ने 1998, 1999, 2004 और 2014 में इन सीटों का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं विनोद खन्ना ने जहां 2017 में दुनिया को अलविदा कहा, तो गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सर्व सरालिया ने भी सनी देओल को गुरदासपुर से सीट दिए और टिकट दिए जाने पर अपनी नाराजगी को बयां किया है। सरायला ने शनिवार को दोपहर 12 बजे के करीब गुरदासपुर में अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उनकी नजदीकी सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो एक सीडी मीडिया के सामने लेकर आएगी और ये सीडी किसी बड़े बीजेपी नेता के खिलाफ होने की बात कही जा रही है। ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है सनी देओल के लिए। जी हाँ, क्योंकि
पार्टी के ही कई नेता जो है गुरदासपुर से सनी देओल के खड़े हो जाने के बाद अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर विनोद खन्ना के चले जाने के बाद गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान स्वर्ण सरेलिया ने कांग्रेस के सुनील जावेडकर से करीब 1,90,000 से ज्यादा वोटों से हार पाई थी और इस बारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और गुरदासपुर से उन्हें टिकट देगी। गौरतलब है कि पंजाब में चुनाव आखिरी चरण में होने वाले और 29 अप्रैल यानी कि सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। ऐसे में अब जहां पर चुनावी माहौल गर्म है, चुनावी माहौल के साथ सनी देओल की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं पर देओल फैमिली में भी ये राजनीति चल रही है, क्योंकि देओल फैमिली में जहां पर हेमा मालिनी मथुरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी की वो भी एक प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपने बेटे सनी के लिए ना तो कोई प्रचार किया और ना ही वो सनी देओल का साथ देती हुई देखी जा रही हैं। अब देखना यही होगा कि किस तरह से सनी देओल क्या गुरदासपुर सीट से जीत हासिल यूं कर पाएंगे। देखा आपने कि किस तरह से भाई ये दोनों नेताएं जो हैं काफी ज्यादा ही नाराज हो रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीजेपी जो है मौका उन्हें देगी, गुरदासपुर सीट से चुनाव वो लड़ेंगे, मगर यहाँ पर सनी को जहाँ मौका दे दिया गया है। खैर, देखना यही होगा कि क्या इस बारी गुरदासपुर सीट से सनी देओल की जीत होगी या फिर नहीं, ये फैसला आएगा ही 23 मई को। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।